हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे मलाई कुल्फी। बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार होगा ये, यानी कि सिर्फ दूध और ब्रेड से बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। सो इसे बनाने के लिए ना हमें लेना है ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर लिया है वाइट वाला ब्रेड, और इस तरीके से ना 5 से 6 स्लाइसेस हम ले लेंगे। और आप किसी भी ब्रांड की ये ब्रेड ले सकते हैं। और अब हमें क्या करना है ना कि ब्रेड के जो किनारे हैं उसे हम कट करके साइड पर कर लेंगे। और इसके जो किनारे हैं ना ब्रेड के, इसे आप वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि इसका ब्रेड क्रम बना के ना हम आगे के डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम सभी ब्रेड को तैयार कर लेंगे इनके किनारे निकाल करके। तो ब्रेड के हमने साइड्स को हटा लिया है, अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि हमें इसे ना ब्लेंड करने में आसानी हो जाएगी। इसे अब हम एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमें लेना है ब्लेंडिंग जार, उसमें हम शिफ्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज वाला लिया है, और एक बारी में ना मैं इसे बिल्कुल फाइन पाउडर के फॉर्म में इसे पीस लूँगी। सो अच्छे से हमने इसे ब्लेंड किया है, और देखिए बिल्कुल ना इसमें फाइन पाउडर हो गया, और इसमें कोई सिंगल चंक्स नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना आपने भी फाइन पाउडर बनाकर ब्रेड का तैयार करना है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे, और दूसरी तरफ ना ड्राई फ्रूट्स के पाउडर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यानी कि बादाम लिया है, काजू और पिस्ता। उसी के साथ ही थोड़े से मैंने इलायची ली है, यानी कि जो ग्रीन हरी इलायची आती है वो मैंने यहाँ पर ली है, और बिल्कुल फाइन पाउडर पीस लिया है मैंने। और इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम रख देते हैं दूध को ना उबलने के लिए। सो यहाँ मैंने 700 ml दूध लिया है, तो ये ना उबला हुआ मैंने यहाँ पर दूध लिया है। आप यहाँ पर ना कोई सा भी दूध ले सकते हैं, बट फुल फैट ज़रूर लीजिएगा। और अगर आप उबला हुआ ले रहे हैं तो मलाई के साथ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सो इसे हमें करीबन ना 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबालना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2/3 कप चीनी ली है। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखा कि मैंने यहाँ पर ना 2 बड़े चम्मच चीनी को साइड पर रख लिया था। सो इस तरीके से हम चीनी को अच्छे से दूध में घुल जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सो चीनी दूध में अच्छे से घुल गई है, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। सो 4 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिए थे, और इसे हम ना लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने। और दूध को हमें तब तक पकाना है ना जब तक हल्का सा ये रिड्यूस नहीं हो जाता और इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाता। सो इसी के साथ ही तैयार किया हुआ जो ड्राई फ्रूट पाउडर था वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और आगे के ना 2 मिनट और हम इसे पकाएंगे। सो देख रहे हैं कि दूध हमारा ना हल्का सा गाढ़ा हो गया है यहाँ पर, और हल्का रिड्यूस भी। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ब्रेड के पाउडर जो हमने बनाकर तैयार किया था। सो मैं इसे बैचेस में ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 बैचेस में। और यहाँ पर मैंने पैन विस्कर का यूज़ किया है, जिससे कि आपको ना इसे मिक्स करने में आसानी हो जाएगी और इसमें कोई लंप भी नहीं रहेंगे। सो इसी तरीके से आप भी यूज़ करिएगा, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ना ये पैन के बॉटम पर लगे नहीं। और इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पर स्पैचुला का यूज़ किया है, लगातार चलाते रहेंगे साइड से स्क्रैप करते हुए बॉटम तक, और हल्का सा इसे गाढ़ा होने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ओवर थिक नहीं करना है, नहीं तो ना ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएंगे इसलिए। तो देखिए इसमें थिकनेस आ गई है। अगर मैं स्पैचुला को दिखाऊँ ना तो ये अच्छे से कोट कर रहा है। तो इस स्टेज पर हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, और इसे हम ना गैस से हटा लेते हैं, और इसे साथ ही किचन रैक पर ना लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने। सो जैसे जैसे आप ये ठंडा होता जाएगा ना, आप देखेंगे कि ये थिक होता रहेगा। सो ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये कितना थिक हो गया है। इसलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में हमें जो इसका बैटर रखना है ना वो हल्का फ्लोई होना चाहिए, ताकि ठंडा होने के बाद भी ना उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सो इसे फटाफट से शिफ्ट कर लेंगे ब्लेंडिंग जार में, और इसे कुछ सेकेंड के लिए ना हमें अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह ये बनकर तैयार हो जाए, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो पूरिंग होनी चाहिए। सो इस तरीके से देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, और कितना स्मूथ दिख रहा है ये। वॉल्यूम में भी आपको ये हल्के से ज़्यादा दिख रहे होंगे, और रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने भी तैयार करना है। और अब हम इसे ना शिफ्ट करेंगे मोल्ड में। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का मोल्ड लिया है, कुल्फी मोल्ड है ये, और ये आसानी से ना कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर एलुमिनियम मोल्ड भी आती है कुल्फी की, वो भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है सो ग्लास ले सकते हैं छोटे साइज़ की, नहीं तो अगर ग्लास भी नहीं है ना तो आप स्टील के जो डब्बे आते हैं छोटे वाले वो भी आप ले सकते हैं, और ये तो सभी के घर में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम इसे सभी को शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि पोर कर लेंगे। तो टॉप तक मैंने इसे फिल किया है, और अब हम इसे टैप करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैं इसे कवर करने वाली हूँ फॉइल पेपर से। तो मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर ले लिया है,
और चारों तरफ से ना अच्छे से हम इसे सील कर लेंगे। और अब हम इसे स्टिक से इंसर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसे प्रिक करना है सेंटर में। और यहाँ स्टिक आप देख रहे हैं ना कि ये आसानी से आपको आइसक्रीम स्टिक मार्केट में मिल जाती है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे नाइफ ली है, सेंटर में हम प्रिक करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाएगी स्टिक को सेंटर में इंसर्ट करने में। सो इस तरीके से हम एक एक करके सभी स्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा मोल्ड तैयार है, तो हम इसे फ्रीजर में स्टोर करेंगे करीबन 7 से 8 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। सो आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है, यानी कि हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट होकर तैयार है। और अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये सेट हुई है। और इसे डिमोल्ड करने के लिए हम किसी बड़े बर्तन या फिर पतीले में लेंगे नॉर्मल पानी, और इसे ना कुछ सेकंड के लिए सिर्फ रखेंगे ताकि ये जो बॉटम है ना आइसक्रीम का मोल्ड का वो लूज़ हो जाए और हमें आइसक्रीम को ना डिमोल्ड करने में आसानी हो जाएगी, यानी कि आप आसानी से आइसक्रीम को बाहर निकाल पाएंगे क्योंकि लूज़ हो जाता है बॉटम इसलिए। और देखिए कितनी आसानी से मैंने इसे निकाल दिया है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है, स्मूथ है, 100% मार्केट सेल में बनकर तैयार हुआ है। और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है, नहीं कह सकते आप कि हमने इसमें ब्रेड का यूज़ किया है। सो इसे फटाफट से एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और इसके ऊपर ना थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि ये खाने के साथ साथ दिखने में भी अच्छे लगेंगे। सो देखा दोस्तों कितना आसान था इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी बनकर। और इसके बनाने के लिए हमें किसी मावे का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ दूध था, ब्रेड और मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार किया है। सो ट्राई करिए इसे, मुझे बताइए कि कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।